वहाँ पर जितने भी परिवार जन हैं जिनके लोग चले गए उसमें उस हादसे में, उनसे भी मिली, उनको भी उन्होंने सांत्वना दी और उनसे भी उन्होंने धैर्य बांधने की बात की है कि हम आपकी इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं और जो सरकार की तरफ से मदद होगी उसको, उसके लिए भी उन्होंने माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को तुरंत आदेश दिए कि इसमें कोई कुताही नहीं होनी चाहिए, कोई देरी नहीं होनी चाहिए, प्रभावित परिवारों को जल्दी से जल्दी राहत दी जाए, ये उन्होंने निर्देश दिए। कल वो मनाली तक जाकर आई, जितना भी नेशनल हाईवे डैमेज हुए वहाँ के परिवार के सदस्य जो प्रभावित हुए हैं उनसे भी मिली, उनसे भी उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे बातचीत की और उनको सांत्वना दी कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। अंत में एक द्रंग क्षेत्र का एक दौरा था और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ भी वो पहुँची और वहाँ भी उन्होंने उन परिवारों को संवेदना प्रकट की कि आपका घर बार चला गया, हम आपको दोबारा स्थापित करने के लिए जल्दी से जल्दी कदम उठा रहे हैं और उसमें सरकार भी काम कर रही है, सरकार के निर्देश के मुताबिक आपको तुरंत थोड़ी बहुत राशि दी गई है और जिनके घर चले गए हैं, जिनके घरों में दरारें आ गई हैं उन परिवारों को भी उचित पैसा दिया जाएगा। मैम आपने एक पत्र भी लिखा है सांसदों को, क्या? देखिए मैंने पिछली बार जब मैं सांसद बनकर अभी पार्लियामेंट अटेंड करने गई तो ये मेरा कर्तव्य था कि मैं वहाँ पर अपनी बात रखूँ, पर आप जानते हैं कि वहाँ मुझे मौका नहीं मिला, मणिपुर इशू बहुत ज़्यादा था इसलिए हमें अपनी बात कहने का टाइम नहीं मिला और प्रधानमंत्री को मिलना तो बहुत कठिन कार्य है, पर फिर भी मैंने जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी उनसे भी आग्रह किया कि ऐसे वक्त में आप हमारी मदद करें, उन्होंने कहा आप तुरंत एक मुझे भी चिट्ठी लिखें, होम मिनिस्टर को भी चिट्ठी लिखें और हम इसमें अवश्य हिमाचल प्रदेश की मदद करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब कितना अनाउंस करते हैं, कितना देते हैं, दैट इज़ फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू डिसाइड। उत्सुक हूँ कि हमारे को मौका मिलना चाहिए और हमें इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल में हुई है, वो हिमाचल प्रदेश जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह के गए पिछले इलेक्शन के दौरान कि ये मेरा दूसरा घर है और आप दूसरे घर की तरफ देख भी नहीं रहे हैं कि उस वहाँ कितनी त्रासदी होगी, कितना नुकसान हो गया, इसकी स्टेट गवर्नमेंट इसकी भरपाई नहीं कर सकती, उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे थे कि आप हमारी बात सुने और आपकी मदद के बिना हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपकी मदद हमको इस क्षण में अवश्य चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता की आवाज़ को सुनते हुए प्रधानमंत्री अवश्य हमारी बात को सुनेंगे और इस पर उनको तुरंत धनराशि भी घोषित करनी चाहिए और जो यहाँ पर त्रासदी हुई है उसके लिए संवेदना भी प्रकट करनी चाहिए। दुख की बात है कि जहाँ हमारा किसान बागवान प्रभावित हो रहा है, किसानों को इस वक्त राहत चाहिए क्योंकि उनके खेत खलिहान चले गए, उनकी ज़मीनें दह गई और उसी तरह से जो बागवान है उनका सेब जो अभी तैयार हुआ है उसको उन्होंने मार्केट में पहुंचाना है, उसके लिए हम PWD विभाग का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तुरंत हर जगह में सड़कें दुरुस्त की है और आवागमन गाड़ियों का किया है ताकि उनका सेब ना फंसे। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर एक निर्णय लिया है वो दुखद घटना है कि आप हमारे बागवानों की चिंता नहीं कर रहे, आप अमेरिका के सेब की बात कर रहे हैं और उनको आप इस वक्त में आप उनकी इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने की आपने बात की है, तो इसलिए हमने ये इशू भी प्रियंका जी ने उठाया है और उन्होंने कहा है कि हम इस बात को अवश्य सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखेंगे और अपनी बात कहकर मैं ये बात समाप्त करती हूँ।